वेलकम टू पेनेशिया आई एस इन दिस सेगमेंट वी विल डिस्कस अबाउट ग्लाइफोसेट सो रिसेंटली गवर्नमेंट ने ग्लाइफोसेट विच इज़ वाइडली यूज एज अ हर्बीसाइड के यूज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ग्लाइफोसेट के यूज़ से ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स को हेल्थ हिजार्ड होने के चांसेज हैं जिसकी वजह से मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करके इसके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करने को कहा है आई रिपीट बैन नहीं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया है मीनिंग अब से इसका यूज़ सिर्फ पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स के थ्रू ही परमिटेड है नॉर्मल फार्मर्स कांट यूज इट थ्रू स्प्रिंग नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस ग्लाइफोसेट ग्लाइफोसेट का यूज़ वीड्स या अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए किया जाता है ताकि ये डिजायरेबल क्रॉप्स या प्लांट्स की ग्रोथ को हिंडर ना कर पाएँ कैसे हिंडर करेंगे डिजायरेबल प्लांट्स के साथ सनलाइट वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करके इसीलिए फार्मर्स या तो इन वीड्स को मैनुअली रिमूव कर देते हैं या फिर हर्बिसाइड स्प्रे करके इन्हें ख़त्म कर देते हैं ग्लाइफोसेट काफ़ी वैराइटीज ऑफ वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है लाइक ब्रॉड लीफ प्लांट्स और ग्रासी प्लांट्स ना गवर्नमेंट ने इसके यूज़ पर रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया है तो जो बिगेस्ट चैलेंज है इसके साथ वो ये है कि ये नॉन सेलेक्टिव है मतलब ये वीड्स को किल करने के साथ कभी कभी यूजफुल प्लांट्स को भी किल कर देता है बिसाइड्स प्लांट्स एक प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ ग्लाइफोसेट इस प्रोटीन के प्रोडक्शन को भी हिंडर करता है एट लास्ट डब्ल्यू के इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स के प्रेजेंट होने की भी प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट किया है सो दीज आर द रीजनज दैट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स यूज सो दिस वॉज अबाउट ग्लाइफोसेट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक दैन प्लीज़ मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू